हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑकुले 47। और हमेशा की तरह एक बात पहले ही, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाद जो इंडिकेशन होता है उसे जरूर दबाइए, नई नई वीडियोस और नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, जो गेम है इसका नाम है आइडेंटिटी 5। और फ्रेंड्स, इसमें हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है आसिफ खान और जबरीना मस्ती। इन्होंने कहा है कि मैं सीयर के ऊपर वीडियो बनाऊँ। पहले तो मैं इस लिटिल गर्ल और नाइटमेयर पर बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में जो सजेस्ट किया है कि मैं सीयर के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर हम इसमें मैं एक सीयर पे, जो मैंने बहुत ही दिनों बाद मैंने सीयर पे यानी कि गेम खेला था, मैच खेला था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस रिकॉर्डिंग बोले अपने रिकॉर्ड में देख सकते हैं, उसमें मेरा बेस्ट डिटेक्शन है। बेस्ट डिटेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बेस्ट डिटेक्शन होता है उसका यानी कि मैन ऑफ द मैच जैसे होता है, उसमें वो प्लेयर सबसे अच्छा करता है उसको मिलता है बेस्ट डिटेक्शन। तो यहाँ पे एक देखिए, अब सीयर मैंने ज़्यादा यानी मैं खेलती नहीं हूँ, मैंने हाल ही में ये ऐसे ही ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं, मेरा जो तीसरा आइकन है वो मेरा है। और यहाँ पे इंजेंट्रेस है और एक एडी है टॉय मर्चेंट, बहुत ही मुझे उसका गुस्सा आ रहा था वो। और एक डिटेल गले, यहाँ पे देखिए मैंने 237 सेकेंड हंटर को अपने पीछे भगाया है। और मेरा कोई यानी मैंने कोई मशीन नहीं की हुई है। और यहाँ से भी हम इस मैच को देख सकते हैं, तो हम इसमें देखेंगे, शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैंने वॉइस ओवर के लिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आपको एक डबल आइकॉन दिखेगा इस डी रिकॉर्डर का। तो फ्रेंड्स, इस मैच में ऐसा हुआ था कि यानी कि मैं कभी कभी बहुत ही लेट स्पॉन होती हूँ, तो इसी तरह से इस गेम में, इस मैच में मैं लेट स्पॉन हो गई थी। और ऐसे जब लेट स्पॉन होती हूँ तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैं एक ही जगह पर खड़ी रहती हूँ, कभी कभी मेरे सर पर कौवे नाचने लग जाते, कभी कभी मैं बॉट भी बन जाती हूँ, हंटर कभी कभी मुझे डबल हिट भी मार देता है, ऐसे भी हो जाता है। कभी कभी मैं चेयर पर भी बैठी रहती हूँ और आती हूँ, अरे भाई तब मैं स्पॉन होती हूँ, अरे मैं चेयर पर बैठ गई। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि मैं एक ही जगह पे खड़ी हूँ और जैसे कि हंटर जादू के जोर से मेरे सामने प्रकट हो गया। अब देखेंगे, देखना क्योंकि इसका रिप्ले भी वैसे ही दिखेगा जैसे होगा। अभी यहाँ पे देखना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, देखिए जैसे लग रहा है कि वो खिड़की से उड़ के आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं आई गेम में, मैंने देखा भाई मुझे डायरेक्टली यहाँ पे हिट भी लग गया है, खामखा मुझे डायरेक्टली ये कौवा अपना इस्तेमाल करना पड़ा। और फ्रेंड्स, से कौवा है नहीं, ये ऑल है, लेकिन मैं इसे कौवा बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा कि देखिए 5 साइफर्स है और मुझे एक हिट भी लग गया, मुझे कौवा भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए, वो किसी स्कल्पचर से मार रही है, स्कल्पचर से वो इस तरह से मार सकती कि उसे ये पैलेट तोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो पार ही मार सकती है और किसी को भी गिरा सकती है। तो यहाँ पे मुझे इसे डॉस देने स्कल्पचर्स को, और मुझे एक स्कल्पचर लग गया और एक लगेगा तो मैं यहाँ पे गिर जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो एबिलिटी इस तरह से वर्क करती है, जितना वो हंटर को देखेगा उसका ऑल बनेगा। तो यहाँ पे भी उसने वो पैलेट तोड़ दिया है, तो मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए। और जितना हो सके मुझे इस तरह से काइट करना है कि उसका यानी कि वो जो स्कल्पचर लगेंगी, जो लगाएगी, वो मुझे न लगे और मैं अपना ऑल बना सकूँ, अपना कौवा बना सकूँ, ये कौवे पे हिट लेकर अपना यानी कि वहाँ पे गिरने से बच सकता है। तो यहाँ पे एक आपको ये भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इसके पास पीपर्स है, हंटर के पास पीपर्स रहेंगे तो आपको दीवारों के पार भी देख सकते हैं। जब हंटर्स के पास पीपर्स होते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो तो हमारी हर मूवमेंट देख सकता है। तो ये ऐसे पीपर्स की वजह से देखिए उसे समझ में आता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा कौवा बनना थोड़ा सा ही बाकी है, इसलिए मैं इस जगह पे काइट करूँ कि जैसे उसे देख सकूँ साफ साफ, मेरा कौवा बन जाए। देखिए थोड़ा सा बाकी था, लेकिन उसने मुझे स्कल्पचर से मारा, आपने देखा वो स्कल्पचर से मैं गिर गई। तो इसकी इतनी एबिलिटी बहुत ही इसकी भयानक होती है, एक जगह बैठे बैठे दूर भी वो किला फेंक के लोगों को इंजर्ड कर सकती है। अब देखिए इसकी तीसरी मशीन हो जाएगी, यानी कि मुझे एक बार बिठाने तक 2-3 मशीनें हो जाएगी। यहाँ पे देखिए उसने मुझे बिठा दिया और सिर्फ 2 मशीनें बाकी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और फ्रेंड्स देखिए, इंचेंटर्स का आइकॉन उसे रेड नजर आ रहा है, उसे दिख रही वो कहाँ पे है। तो देखिए दूर बैठे बैठे भी इस तरह से यहाँ पे स्कल्पचर लगा सकती है, इस तरह से लोगों को इंजर्ड कर सकती है और उनको डिस्टर्ब कर सकती है ताकि मशीनें ना हो, ऐसा करते हैं ये लोग। तो मेरे पास में ही देखिए अब कौन है, यहाँ पे देखिए ये येड़ी है, मुझे इसका बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे बहुत ही करीब है, लेकिन यहाँ पे ये येड़े चाले कर रही है, मुझे इसका बहुत गुस्सा है कि भाई टाइम पर बचा, मैं उसे हेल्प में चीख रही हूँ कि भाई अगर मैं इतना काइट कर रही हूँ तो आगे भी कर सकती हूँ, मुझे बचा ले टाइम पर, लेकिन ये मुझे टाइम पर नहीं बचा रही, मेरे आधे से ज़्यादा चेयर भर गई। देखिए उसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं फिर से गिर गई तो मैं दोबारा नहीं बैठ पाऊंगी, तीसरी बार बैठ के लोग उड़ जाते, लेकिन मैं 2 बार बैठ के उड़ जाऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं कौवा बनाने में कामयाब हो गई, अब मुझे सिर्फ इससे बचते हुए काइटिंग एरिया में जाना है, इसलिए मैंने कौवे का इस्तेमाल यहाँ पे किया।
तो यहाँ पे अभी देखिए उसके स्कल्पचर कैसे, उन्हें भी डॉज देना, अगर एक स्कल्पचर उसके दो लग गए तो मैं गिर जाऊँगी, उसे हाथ से मरने की मुझे ज़रूरत नहीं, उसका तरीका होता है। तो ये बहुत ही अच्छे कैटिंग एरिया, देखिए मुझे इसके पार नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है, लेकिन अब मुझे दूर से नज़र आ गई उसकी जो रेड 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 जो उसकी लाइट होती, वो देखिए कितनी दूर दूर से स्कल्पचर लगा रही है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि वो एक ही मशीन है तो अच्छी बात है, मैंने सोचा कि भाई मैं फिर से उस काइटिंग एरिया में जाती हूँ कि वो मुझे प्राइम मिल जाए मशीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंचेंट्रेस के सर पे कुदी मार दी है उस लिटिल गर्ल ने, ताकि वो फास्ट मशीन कर सके, वहाँ पे मुझे प्राइम मिल सके। देखिए उसे आंखों की वजह से पता चल गया कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मेरा एम इतना ही है कि वो जो मशीन बोल रहे हैं वो मुझे प्राइम मिल जाए, उतनी मैं यहाँ पे काइट करूँ। तो वो तो ईजिली मुझे यहाँ से देख रही है, 120 सेकेंड मेरा आ गया है यहाँ पे। अभी मुझे सिर्फ उसे देखते हुए और समझते हुए और काइटिंग एरिया का अच्छा इस्तेमाल करते हुए करना है काइट। तो यहाँ पे आप रुक के भी देख सकते हो कि हंटर कहाँ से आ रहा है, एड़ी की तरह कहीं भी नहीं भागना है। तो देखिए वो साइपर प्राइम बोल रही है, साइपर मशीन प्राइम, तो मुझे उससे हाथ से गिर के लेना है, ताकि हाथ से जब भी वो मारते हैं तो वो स्टाइल करते बैठते हैं, तो आपको मौका मिल जाता है दूर भागने का। देखिए स्टाइल कर रही है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे मुझे बूस्ट मिल जाएगा, ये देखिए। अगर आपके पास बोरो टाइम होगा तो आप उड़ जाएंगे, आपके आपको थोड़ा सा बूस्ट भी मिल जाता है। अब मेरा एम यही है कि जब तक मैं इतना कैट कर सकूँ कि बाकी के लोग दरवाज़ा खोल के निकल जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने हंटर ने अपनी स्किल चेंज कर दी थी, पहले उसके पास आँखें थी, फिर उसने यहाँ पर टेलीपोर्ट ले लिया। अभी देखना दोनों तरफ से मुझे पता चल रहा है कि दोनों दरवाजे खोले जा रहे हैं और उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, कि यानी कि उन लोग निकले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कौवा बनाऊँ, इतना मैं बना सकती हूँ, अगर बना पाऊँ तो मैं शायद दरवाजे के पार भी निकल जाऊँ, इसलिए मैं इतनी जगह पर काइट कर रही हूँ। देखिए मेरा कौवा कितना बन रहा है ये, और यहाँ पर देखिए मैं अटक भी गई थी और 180 सेकेंड आ गया है। मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके भी कर सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कौवा बनाना है, तो अपने को बचाते हुए मुझे कौवा बनाते हुए अगर हो सके तो मैं दरवाजे के पार निकल जाऊँ, इतना पास दरवाज़ा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये पैलेट्स अभी तोड़ने लगेगी, तो मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए। जब भी पैलेट्स तोड़ते हैं हंटर, आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये पैलेट के पार भी तो मार सकती है। देखिए यहाँ पे मुझे ये टॉय मर्चेंट दिख गई, तो मैं समझ गई कि यहाँ का दरवाज़ा खुला है, तो मेरे पास थोड़ा सा यानी कि जो ऑल बचाया है वो कौवा मैं बनाऊँ और उसके सहारे में निकल जाऊँ। तो ये मेरी यहाँ पे कोशिश चल रही है, लेकिन ये मुझे स्कल्पचर से कैसे भी मार सकते हैं। अब देखना ये देखिए कि एक स्कल्पचर लग गया मुझे, अब एक स्कल्पचर लगेगा तो मरूंगी। मैंने सोचा चलो भाई अच्छा है, ये मेरी बॉडी ब्लॉक करेंगे, लेकिन इतनी एडी और इतनी एडियट थी कि कहाँ उड़ गई पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो स्कल्पचर से मेरा ये कौवा उड़ाना चाहती है, ताकि वो हाथ से मारे, लेकिन उसे वो भी नहीं जमा, यानी कि मैंने उसके स्कल्पचर डॉज दिया और उसने कौवा मारा, मैं वहाँ से चली गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडी भी आ गई है, वो देखो, और ये दोनों उस दरवाजे के पार है, वहाँ पे वो टेलीपोर्ट हो गई, लेकिन वो तो वहाँ से निकल गए देखना। और एडी तो वहाँ पे थी, उसका कोई मतलब नहीं था, मुझे एडी का इसलिए गुस्सा है कि उसने मुझे टाइम पे भी नहीं बचाया और वहाँ पे अच्छे से मेरी बॉडी ब्लॉक कर सकती, क्योंकि हंटर की रेड आइज़ नहीं है और वो पूरी सेहतमंद है, तो मुझे आराम से उस दरवाजे के पास मैं पहुँच गई तो मेरी बॉडी ब्लॉक करे, लेकिन उनको अपनी कदर ही नहीं, किसी कैटर की कदर ही नहीं, उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तो इस तरह से ये था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स ये रहा इसका एक वीडियो, और मैं अपनी जो मेरा ब्लू नीरो जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड है उनके साथ एक वीडियो बनाया, उसमें वो शेयर है, वो वाला मैं आगे आपको वीडियो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स इस मैच में यानी मेरे साथ है मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड है ब्लू नीरो, वो है मेरे साथ, उनके साथ मैंने गार्डनर वाला वीडियो बनाया था, आपको गार्डनर के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसके अंदर वो मेरे साथ थे लक्की गाय। देखिए ये मैं हूँ यहाँ पे प्रिजनर, और यहाँ पे है हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड जो सीयर बने हुए हैं और वो लक्की गाय है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप डिकोडर है, जैसे कि मैं इसमें डिकोडर हूँ, तो आप पहले छिप जाइए, कोई भी आप डिकोडर खेल रहे हो आप छिप जाइए, ये एक बहुत बड़ी टिप है, आप इसे याद रखिए। जल्दी से किसी भी मशीन के पास मत जाइए, पहले छिप जाइए, थोड़ा सा देखिए आसपास, बाद में किसी भी मशीन के पास जाइए। तो यहाँ पे दो लक्की गाय होते हैं, जो लक्की गाय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर डब्बे ढूंढते रहते हैं, वो मशीन में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, पूरे मैप के वो सारे डब्बे ढूंढने के तभी उनको चैन मिलता है। कुछ कुछ चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती है तो वो यूँ यूज़ करके ऐसे ही फेंक देते हैं। देखिए डब्बा, फिर अभी मशीन पर जाते हैं, फिर से किसी डब्बे की फिराक में जा रहे हैं। दूसरा है, इसको कुछ मिला हुआ है फिर भी उसे कुछ और चाहिए। और यहाँ पे ये जो टेंटिकल वाला है, यानी किसके पास बहुत बड़े हाथ होते हैं और टेंटिकल भी यानी कि यूज़ करता है दूर से। देखिए यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, यहाँ पे कोई है क्या देखने आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई है नहीं है। देखिए डिब्बा ढूंढ रहा है, उनको डिब्बे ही ढूंढने हैं बस, और कुछ काम नहीं है। और अब यहाँ पे देखिए मैं एक्चुअली छिप गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ी स्टक हो गई, मैं लैग हो गई, जिसकी वजह से ये हुआ फ्रेंड्स कि मैं आने तक क्या हुआ आप देख सकते हैं, मेरे सर पे कौवे उड़ने लग गए। मैंने कहा था ना मैं कभी कभी स्पॉन लेट हो जाती हूँ, कभी बीच में ही मैं लैग हो जाती हूँ, तो मेरे सर पे फिर कहीं भी यानी कि आप कोई डिकोड नहीं करेंगे तो आपके सर पे कौवे उड़ेंगे ही उड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो हंटर मेरी फिराक में आएगा, वो एक्चुअली यहीं पे आ रहा था जहाँ पे मेरे कौवे उड़ रहे थे। तो
तो यहाँ पे मैंने जल्दी से यहाँ पे मशीन को टच किया एक्चुअली, तो अभी कौवे उड़ने बंद हो गए। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि हंटर मेरे करीब है, क्योंकि वो तो मेरे ही पीछे आएगा, मुझे डर था। लेकिन यहाँ पे सियर है, उसे लगा जो कौवे उड़ा रहा था वो यहीं पे शेड में, लेकिन वो नहीं, वो तो सियर था। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे इसे काइट कर रहे हैं, लेकिन ये डबल हिट वाला हंटर है, ये दूर से टेंटिकल लगा सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए कैसे, जैसे देखिए इसने टेंटिकल से इसका कौवा उड़ाया और यहाँ से वो हाथ से मारेगा। ये देखिए उसके हाथ कितने बड़े हैं, और इस वजह से डबल हिट करता है यहाँ पे। और वहाँ पे देखिए जो कौवे, ये तो ये कहीं अभी मशीन करा, ये सब कौवे उड़ा रहा है, ये सिर्फ डब्बे वब्बे ढूंढ रहा है यहाँ पे। तो उन लोग देख सकते हैं आपके, उनको कोई मशीन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इतना ही काम है कि किसी भी तरह से मैं मशीन करूँ, क्योंकि मैं ही डिकोडर हूँ, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह से फंस के नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इन्हें लग गई है, और कोई भी मशीन नहीं है, अब देख सकते हैं सिर्फ यही मशीन जो मैंने जोड़ी है, और इसको कौवे उड़े कुछ भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो सिर्फ ढूंढने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे अभी मुश्किल से कोई मशीन भी नहीं हुई है, और वो लोग इतने मशीन में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो हंटर के लिए अच्छा है कि भाई इतने देरी से भी कोई मिला तो भी मशीन नहीं हो रही है। देखिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों भी भाग रहे हैं, और हंटर अभी चाहता है कि हमारे ऊपर प्रेशर बने, इसकी वजह से वो एक ही जगह पर नहीं रहेगा, उसे जहाँ मशीन हिलती हुई नजर आएगी उस तरफ जाएगा जहाँ पे मैं हूँ, देखिए यहाँ पे। और अगर इन्हें डिकोडर मिल जाते तो फिर इनकी आंखें बहुत बड़ी हो जाती, फिर उसी के पीछे पड़ जाते। देखिए दूर से टेंटिकल लगा रहा है मेरे लिए यहाँ पे, देखिए इसने छुड़ा भी लिया, उसे कोई फिक्र नहीं है, उसे दिख गया कि वहाँ पे प्रिजनर है, तो वो ज़रूरी है मिलना, इसकी वजह से वो उसके पीछे गया ही नहीं, मुझे टेंटिकल से मारा। अब सोच रहा है कि मैं सियर के पीछे जाऊँ, फिर उसने सोचा नहीं, अगर मुझे डिकोडर ही मिल रहा है तो मैं उसी के पीछे जाऊँ। तो ये लोग उसे हील कर रहे हैं, हंटर लोगों को एक बार डिकोडर मिल जाता है तो फिर वो लोग उसके पीछे ऐसे भूखे शेर की तरह पड़ जाते हैं, उन्हें वहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे अभी मैं देखूँगी कि भाई कोई मशीन्स हो रहे हैं क्या कहीं पे, अगर मैं मिलती भी तो दोनों, ये देखिए कोई मशीन नहीं हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि भाई अगर मैं ही मिल जाऊँ इस गेम में तो कुछ नहीं हो जाएगा, मुझे बच के रहना चाहिए यहाँ पे। और एक बार ये डिकोडर हंटर के हट्टे चढ़ जाए तो फिर वो छोड़ते ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कोई काइट नहीं करना है, मुझे किसी तरह से इससे बच के दूर निकलना है, क्योंकि वैसे भी काइटिंग वाला कैरेक्टर है नहीं है, और डिकोडर हमेशा बहुत ही कमज़ोर होते हैं यहाँ पे। तो ये तो अभी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे ये फिक्र है कि भाई अगर मैं ही मिल जाऊँ तो कोई डिकोड नहीं होगी मशीन, कुछ फ़ायदा नहीं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे किसी तरह से इस तरह से काइटिंग करनी है कि मैं जल्दी यहाँ पे गिरूँ भी नहीं, और हो सके तो मैं हंटर की आंखों से ओझल हो जाऊँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी काइटिंग का ही एरिया है, यहाँ पे लोग काइट करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मकसद काइट करना नहीं है, हंटर से दूर जाना है। और हंटर को तो पता है कि यहाँ पे काइटिंग का एरिया, तो यहीं पे मुझे ढूंढेगा, उसे लगेगा कि मैं यहीं पे काइट करूँगी, लेकिन मैंने उसे उल्लू बनाया। तो यहाँ पे देखिए ये मशीन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हंटर को मैं नहीं मिली तो उसे सामने वही मिल गए जो कि सेकंड टाइम बैठेंगे, फिर तीसरे टाइम तो उड़ ही जाएंगे। तो हंटर को अभी इनका ही पीछा करना है, वो मुझे नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने उसे एक तरह से बेवकूफ़ बनाया कि मैं काइटिंग एरिया से दूर चली गई, मुझे वहाँ पर काइटिंग करते नहीं रहना था, सिर्फ दूर जाना था। तो उस तरह से काइटिंग एरिया उसे नहीं लगा कि मैं छोड़ दूँगी वहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये बहुत अच्छा काइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए टेंटिकल दूर से ही ये करता है ताकि सर्वाइवर ज़्यादा के दूर ना जा सके। देखिए उसने पैलेट उसके मुंह पे ऐसे मारा, वैसे वड़बड़ रहा है। और देख सकते हैं, मैंने बहुत बार बोला है कि हंटर को देख के काइट करना चाहिए, और सियर हंटर को जितना देखा वो अपना कौवा बना सकता है, लेकिन यहाँ पे बात होती है फ्रेंड्स, अगर वो पीछे देखा तो इसे ये समझ में नहीं आया कि हंटर आगे कहाँ टेंटिकल लगा रहा है, इसलिए इसे इतना ज़्यादा पीछे देख कर वो कौवा बनाने में अपनी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उसे टेंटिकल को भी डॉज देना है, कौवा बनाने की भी कोशिश करनी है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा आप पीछे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे जितना देखोगे अपनी काइटिंग के लिए अच्छा होगा, लेकिन उतना नहीं देख सकते कि अपना कौवा बनाए जैसे कि मैं बना रही थी। और यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, देखिए आसानी से इस खिड़की में जा सकते हैं, लेकिन हंटर का तरीका देखा, उसने वो टेंटिकल वहाँ पे लगाया था कि सर्वाइवर वहाँ पे न जा सके, और हाथ से मारा, यहाँ पे उसे लगती नहीं अगर वो खिड़की पार कर जाते, लेकिन उसने वहाँ पे वो टेंटिकल लगाया। इसी तरह से इनका तरीका होता है हंटर लोगों का। यहाँ पे देखिए अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मशीनें अभी बाकी है तीन, और इस किसी तरह ये काइट कर रहे हैं, लेकिन वैसे लकी गाइस लोग कुछ कर नहीं रहे, लेकिन मुझे फिर भी ये लकी गाइस बहुत अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि बचाने में अच्छे थे, अच्छा कर रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम तो सिर्फ डब्बे वब्बे ढूंढेंगे, हमें कुछ बचाने का मतलब नहीं, वो अपनी तरफ से बचाने का बहुत अच्छा कर रहे थे, और बहुत ही स्मार्ट थे वो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वो अटक गए जिसकी वजह से वो यानी कूद नहीं सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे करेगा, अभी देखिए पैलेट के पास वो गिरा हुआ है, अब देखिए देखिए जैसे हंटर ने उसे उठाया, उसने पैलेट मार दिया और वो बलून से छूट गया। तो यहाँ पे उसने बहुत अच्छा किया, और लकी गाय को देखिए बहुत ही स्मार्ट था वो, यहाँ पे उसने उसका ये भी यानी कि रास्ता भी ये कर दिया, ब्लॉक कर दिया।
ताकि शेर को ज़्यादा वक्त मिले काइटिंग करने के लिए। तो आप देख सकते दो मशीनें बची हुई यहाँ पे, भले ही लोग ये नहीं कर रहे थे, ये लोग यानी कि मशीन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर से टेंटिकल से मारा, मैंने कहा ना टेंटिकल कैसे होता है, देखिए यहाँ से गोली मारने के लिए अच्छे से खड़ा था, यहाँ पे लग जाती अगर वो थोड़ा सा उस तरफ हंटर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर टाइम पास चल रहा है, ये जानबूझकर ये टाइम पास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ही मशीन है यहाँ पे, ये टाइम पास इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स ताकि मुझे वो एक मशीन करने का मौका मिल जाए। और ये दोनों इतने स्मार्ट है, देखिए वो सिर्फ उन्हें पता है कि मैं मशीन से ही करूँगी क्योंकि मैं डिकोडर हूँ और उनका काम है, आप देख सकते हैं पूरी मशीन करना है उनका काम है, इस तरह से उसको बचाए, उसकी बॉडी ब्लॉक करे कि उतनी मशीन मुझे करने का मौका मिल जाए, उसे प्राइम मिल जाए शेर को, शेर को। तो कैसे भी इन लोग हो मशीन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा रेस्क्यू करना जानते थे। देखिए उसने परफ्यूम इस्तेमाल किया, उसमें चला गया, फिर देखिए उसने अच्छे से बचाया। अब देखिए वो बॉडी ब्लॉक करेगा, ये देखिए किसे फाइट लगी, उसी को हिट लगी जिसने बचाया। तो ये आसपास जानबूझ कर रह रहे, क्यों, क्योंकि मैं मशीन बोल रही हूँ और ये चाहते हैं कि अभी वो तीसरे बार अगर वो गिर जाए तो उड़ जाएगा ना वो, तो उन्हें उस तरह से उसे बचाना है। ये देखिए अभी जानबूझ के बीच में आ रहे हैं, देखिए दूसरा भी बीच में आ गया। अभी मेरी मशीन तो आधे से ज़्यादा हो गई, उन्हें पता है उन्हें वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। अब शेर का ये है तरीका कि उसको मशीन मिल जाए यहाँ पे, यानी मेरी मशीन उसे प्राइम मिल जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ उसका ये है कि यहाँ पे इस तरह से काइट करे कि मशीन प्राइम हो जाए, हो सके तो कौवा बना सके, अपना ऑल बना सके, लेकिन ये इसके पार नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ये है क्या बोलते हैं यार, दीवार ही बीच में आ रही है, तो ये इस तरह से नहीं बना सकते उसका, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मशीन प्राइम है, इन्हें हाथ से यानी कि गिर के लेना है ताकि वो स्टाइल करते बैठे, लेकिन कभी कभी वैसा होता नहीं है, वो अपने एबिलिटी से मार देते हैं। यहाँ पे देखिए इसने टेंटिकल बड़े से बराबर किया था और टेंटिकल से वो गिरा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिल गई लेकिन वो उस तरफ था इसलिए वो वहाँ पे मार नहीं सका हाथ से। अब देखिए यहाँ पे इसने भी वही तरीका इस्तेमाल किया जो मैंने किया, वो काइटिंग एरिया ही छोड़ दिया और हंटर को लगा कि वो यहीं पे कोई काइट करेगा, कहीं यहाँ से तो जाएगा नहीं, लेकिन उसने भी उसी तरह से बेवकूफ़ से बनाया जैसे कि मैंने बनाया, इसलिए उसने उसे मिस कर दिया, उसे पता ही नहीं चला कि वहाँ से वो दूर जाएगा जैसे कि मैंने किया था कि काइटिंग एरिया ही छोड़ दिया, तो हंटर की गोची हो गई क्योंकि वो काइटिंग एरिया ही पे काइट करते हैं लोग, तो वहीं पे वो ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी फिर वहाँ पे गोची हो जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो इस जगह पे देख रहा है कि कोई है नहीं, तो अभी दूसरी जगह पे वो टेलीपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसने दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन जल्दी से हंटर यहाँ पे आ गया तो अंदर वो घुस नहीं सकता था, इसलिए उसने जादू की छड़ी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये नहीं पता चला कि असल में उसकी मेन बॉडी कहाँ पर चली गई यहाँ पे। तो यहाँ पे वहीं पे खड़ा हो गया, देखिए दूसरा है ये लकी है और यहाँ पे इसकी तरीका देखिए, ये यहाँ पे जानबूझकर इस डॉल का इस्तेमाल कर रहा है, क्यों, क्योंकि हंटर को जब कान नज़र आता है तो उसे लगता है सर्वाइवर आसपास है, तो डॉल का भी कान होता है। तो टाइम पास क्यों कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि तब तक दूसरे दरवाजे पे जो कोई भी होंगे वो जाके वो दरवाज़ा खोल सके। अभी देखिए अब इसकी वो डॉल मर गई तो वो फिर दूसरी जगह पे जा रहा है, ये यहाँ पे देख रहा है कि उसकी रेड आइज चली जाए और हम लोग जा सके। मैं भी यहीं पे हूँ, मैं भी यहीं सोच रही हूँ कि भाई इसकी रेड आँखें चली जाए तो मैं यहाँ से यानी कि मैं भी जा सकूँ। यहाँ पे देखिए मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे भी पता है वो दरवाज़ा खुला है, देखिए दूसरी तरफ दरवाज़ा खोला जा रहा है, ये देखिए अभी वो तो यहाँ पे टेलीपोर्ट तो यहाँ पे नहीं आ गया। देखिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि भाई इसकी आँखें चली जाए या फिर वो खुद वहाँ से निकल जाए तो इस दरवाजे में जाया जा सकता है। अभी वहीं पर खड़ा है जिसने वो दरवाज़ा खोला, तो ये कौवा उड़ाते हुए यहाँ पे आया तो हंटर को पता चल गया कि वहाँ पे कोई है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं कितनी देर में दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो यहाँ पे उसे पता है कि भाई यहाँ का तो दरवाज़ा खुला है और यहाँ पे देखिए मैं आ गई दरवाजे, जैसे हंटर चला गया इसने से हील कर दिया जो कौवे उड़ा रहा था, ये भी उसी दरवाजे की तरफ जा रहा है। तो अभी ये यहाँ पे आ रहे से पता है कि इतने देर में तो दरवाज़ा खुल गए होंगे, लेकिन फिर भी ये अपना यहाँ पे क्यों आते हैं, इन लोग ऐसे ही शायद कुछ लोग बेवकूफ़ी कर सके, लेकिन कभी कभी खामा खा जाते हैं, इनको सरेंडर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना पोपट बनाने आया हुआ है, या फिर ये यही चाहता है कि लोग बेवकूफ़ी करें क्योंकि डबल हिट मार सकता है। देखिए उसने टेंटिकल से मारा, तो इसका यही तरीका है भी टेंटिकल से मारे, इन लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा नाटक करे जिसकी वजह से ये लोग टेंटिकल हाथ से मरे, ये यानी कि डबल हिट कर सकता है ना, अभी इसकी रेड आइज तो है नहीं कि एक हिट में गिर जाए, लेकिन उसका ये तरीका है कि कोई गलती करे टेंटिकल से मारे और हाथ से भी मारे और मिल जाए कोई, तो यहाँ पे देखिए जो सीयर हैं
उसको डर क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौवे बना सकता है। अगर टेंटिकल मार भी रहा है तो वो कौवे से अड़ा सके उसे, या फिर वो अगर लग भी गए उसे हिट तो फिर वो कौवा इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के पार जा सके। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास चल रहा है। हंटर यहाँ पे अपना पोपड़ बनाने के लिए क्यों है मुझे नहीं पता। उसे ये पता है कि वो सीयर है, वो यहाँ पे उसके जितना देर वो रहेगा यहाँ पे उसके कौवे बनते रहेंगे। वो देखिए अभी ये कौवा इस्तेमाल किया यहाँ पे 2:40 ऐसे ही आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम पास चल रहा है। उतने में ये दूसरा भी आ गया, उसको ज़रूरत नहीं यहाँ पे आने के लिए, उसे पता है। तो यहाँ पे वो भी चला गया बेचारा, वो बहुत है, हम लोग दोनों भी अच्छे थे, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ टाइम पास चल रहा है। अगर यहाँ पे वो अगर ये लगाता टेंटिकल तो पीछे की तरफ उड़ सकता है। देखिए जैसे उसने टेंटिकल लगाया वो चला गया, तो वो भी ऐसे ही नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई हंटर मेरे पास भी आ जाए, थोड़े मुझे भी पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे आ जाओ। और मेरे पास बहुत एक अच्छी चीज़ है, डांस है, मैं तुझे अपना डांस दिखाऊंगी, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ डांस की। आ जाए यहाँ पे, मैं तुझे अपना डांस दिखाऊंगी, थोड़े से पॉइंट्स मुझे भी मिल जाएंगे, तेरा भी मनोरंजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे बेवकूफ़ी ये बहुत बड़ा यहाँ पे पोपड़ बनने का इसका चालू ही है। यहाँ पे वो देख रहा है कि वो आराम से एक भी उसे हिट भी नहीं मार पा रहा है, वहाँ पे वो कौवे बनाते जा रहा है। फिर हंटर समझ गया कि जाने दो, फिर उसने सोचा कि पीछे भी आते हैं सीयर लोग, ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, तो वो नहीं आया। तो अभी इसे पता है कि मैं उस तरफ हूँ, शायद मैं ही कोई बेवकूफ़ी करूँ। ये देखिए यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया, उसके बड़े हाथ, इसलिए मैं ज़्यादा दूर जाके उसे ये नहीं मारा, पास में जाके उसे मैंने वो अपने पास जो शौक था वो नहीं मारा। ये देखिए उसने मुझे यहाँ पे ऑल दे दिया, तो उसका फ़ायदा उठा के मैं थोड़ा ये करूँ, ये मैं क्यों करूँ, अपना थोड़ा सा पॉइंट्स मिल जाते हैं, थोड़ा कंटेंट हंटर आ जाता है, तो ये टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। अभी देखिए मैं बाहर जाके तो कौवा वाले की तरह बाहर तो नहीं रह सकती हूँ, और उसका मैं डबल हिट खाने वाले तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटी है नहीं कौवा बनाने की, तो मैं अंदर ही रहूँगी ना। वो चाह रहा है कि मैं कोई बेवकूफ़ी करूँ, तो मैं बोला भाई तो आ ही गया यहाँ पे, तो मैंने जो प्रैक्टिस की तो मेरा डांस देख ले, ये देख, मैं इसीलिए तो यहाँ पे थी कि मैं तुझे डांस दिखाऊँ। अब मुझे पता है कि अगर वो मुझे डबल हिट मार सकता है, अगर मेरा कौवा उड़ गया फिर उल्टा उसने मुझे ये मार दिया क्या टेंटिकल, तो मैं आगे ही उड़ जाऊँगी यहाँ पे उसके पैर के पास। तो यहाँ पे इस तरह से मैच हो गया। हम यहाँ से किसी को ऐसे हम पकाते नहीं हैं, लेकिन हंटर कभी कभी हमें भी बहुत पकाते हैं, जानबूझकर हमें बिठा देंगे चेयर पर, वहाँ पे सलाम करते बैठेंगे, ग्रिफिटी डालते रहेंगे, नाचते रहेंगे, बहुत सारा हमें हिट करते रहेंगे। तो कभी कभी टॉक्सिक बनते तो हमें भी टॉक्सिक बनना पड़ता है। हम ऐसे ही कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे हम चिढ़ाते नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स ये ऐसा मैच था, बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। और इसी तरह से इस तरह से सीयर है, इसका गेम प्ले है। आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे गेम प्लेस करो, और दूसरे फन वीडियोस के लिए हमारे चैनल आउटलेट पर्सन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर जो नोटिफिकेशन होता है उसे जरूर दबाएं, नए नए वीडियोस में नोटिफिकेशन के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और हाँ फ्रेंड्स अगर आपको पीछे कोई नॉइज़ सुनाई दे रही होंगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।